तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम अफगानिस्तान की वजारत सेहत आम्मा ने मुलगीर पोलियो के कतरे पिलाने की 4 रोज़ा मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से महफूज करना है। नवंबर पाथमा 4 रोज़ा मुल्क गिर पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम कल से मुल्क के तमाम मसाजिद में शुरू होगी, जिसका मकसद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक देना है। पोलियो के खात्मे के महकमे से ताल्लुक रखने वाले वजारत सेहत के अहलकार नेक वली शाह मोमिन ने कहा कि वजारत सेहत आम्मा के इस मुहिम को कामयाब करने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों के ताबुन की जरूरत है। वैक्सीनेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन लेस देन 5 कौमी हिफाजती टीकों के दिनों में मुल्क में 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों का वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा काम है। सिर्फ वजारत सेहत आम्मा के लिए इस काम को कामयाबी से मुकम्मल करना मुमकिन नहीं, इसलिए हमें तमाम मुतालिका महकमों के तआवुन की ज़रूरत है। सो वी नीड द सपोर्ट ऑफ ऑल लाइन डिपार्टमेंट। बहबूद अतफाल के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की एजेंसी यूनिसेफ ने ऐलान किया है कि पीर 8 नवंबर से सारे अफगानिस्तान में इंसदाद पोलियो की मुहिम शुरू की जा रही है। यूनिसेफ ने अफगान अवाम से अपील की है कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाने और उनके मुस्तकबल को महफूज करने के लिए इंसदाद पोलियो की मुहिम में शरीक हों। अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने से पहले पिछले 3 सालों से तालिबान ने अक्वामे मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम वैक्सीनेशन टीमों को मुल्क के कुछ हिस्सों में घर घर जाकर मुहिम चलाने से रोक रखा था। तालिबान ग्रुप को बज़ाहिर शुबा था कि टीम के अरकान पिछली हुकूमत या मगरिब के लिए जासूस हो सकते हैं। मुल्क में पाबंदी और जारी लड़ाई की वजह से गुज़िश्ता 3 सालों में तकरीबन 3.3 मिलियन बच्चों को पोलियो की खुराक नहीं दी जा सकी है। यूनिसेफ के मुताबिक अगर ये मुहिम कामयाब रही तो पिछले 3 बरसों में ये पहली मुहिम होगी जिसके दौरान 5 साल से कम उम्र के करीब 10 मिलियन अफगान बच्चों को पोलियो के मुदाफियाती खतरे पिलाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।